अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम मोहम्मद अवेस तोहीद एंड आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वेलकम यू ऑल हियर द ऑनलाइन सेशन होस्टेड बाय सिंध एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन टुडे सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड व्हिच इज द नीड ऑफ प्रोफेशनल स्टूडेंट्स नाउअडेज एंड द टॉपिक इज इंटरव्यू इनसाइट्स। इन टुडे सेशन आवर गेस्ट स्पीकर विल बी कवरिंग दैट हाउ टू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर एन इंटरव्यू, how to present yourself in the best possible light. Interview Insight can cover various aspects of the interview process, and she will be talking about the tips for showcasing your skills in an interview. In today's session, we will have the guest speaker, Ms. Faiza Mubin, who has done his engineering in electrical engineering from Comsets, University Islamabad, and she has served as an intern in Wabda, and now she is serving as technical service engineer at Huawei. So without having any further delay, we'll be heading directly towards our guest speaker. So over to you, Ms. Faiza Mubin. Assalamu alaikum. Thank you very much for providing me the opportunity and having me over here. Firstly, I would like to say something that I'm highly obliged to see a lot of diversity over here. I'm really overwhelmed. So before beginning, I would like to tell you one thing about Interview Insights. Is something that one something everyone should know, that body language matters a lot. You need to be confident about it. Once you are confident, your body language will change, and this is the very first thing that will matter in an interview. Whenever we go to an interview, ek cheez hum logon se lazmi puchi jati hai ki you have to introduce yourself. तो वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि वी हैव टू ग्रीट देम, टेल देम अबाउट योर नेम एंड एजुकेशन, योर एक्सपीरियंस, स्किल्स, अचीवमेंट्स। एंड जो सबसे ज्यादा चीज जो मैटर करती है वो ये होता है कि आपने जस्टिफाई कैसे करना है खुद को उस पोजीशन के लिए। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई है, उसने जाना है किसी कंप्यूटर साइंस की पोजीशन के लिए, तो वो बताएंगे कि मैंने यहाँ से ये एक्सपीरियंस लिया, मेरे पास ये स्किल्स हैं, तो मैं अपने आप को इस पोजीशन के लिए सूटेबल समझता हूँ या समझती हूँ। वो मेन पॉइंट होता है जहाँ पे इंटरव्यूअर को ये लगता है कि हाँ, ये जो है हमारी कंपनी के लिए या हमारी किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो सकता है। जो चीज यहाँ मैटर करती है वो ये होती है कि हमने कैसे अपने आप को शोकेस करना है कि हाँ, वी आर द बेस्ट फिट फॉर दिस प्लेस, वी आर द बेस्ट फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, वी आर द बेस्ट फिट फॉर दिस पोजीशन। दूसरी चीज ये होती है कि अक्सर जब हम किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें लगता है कि हम काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि जो इंटरव्यूअर है, दे आर नॉट रेडी टू सिलेक्ट अस, उन्होंने किसी और को ही सिलेक्ट करना है जो उन्हें, जिनकी बॉडी लैंग्वेज उन्हें अच्छी लग रही है या कुछ भी। काफी सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो हमारा अपना कॉन्फिडेंस और अपना बिलीव होता है। इफ यू बिलीव, वी कैन एंड वी विल। जो इंटरव्यूअर होता है, दैट पर्सन इज ऑलवेज देयर टू सिलेक्ट अस एंड नॉट रिजेक्ट अस। वो हमेशा हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं होते। तो अगर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंटली जाता है और उनके क्वेश्चंस का इस तरह से आंसर देता है कि उसको यकीन होता है कि वो कर लेगा, तो वो वाकई ही कर लेता है। जब हम किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, उसको थॉरली गो थ्रू करें। एटलीस्ट हमें उस कंपनी की थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए कि हमें पता हो कि नेक्स्ट डे जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, वो हमसे कुछ भी पूछ लें, तो हमें उसका थोड़ी सी नो हाउ होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हमें इंटरव्यू में ये भी बताना लाजमी होता है कि हम इंटरव्यूअर को बताएं कि हम उनकी कंपनी में वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर दो लोग जा रहे हैं, सेम क्वालिफिकेशन, सेम स्किल्स, सेम एक्सपीरियंस, तो ये हम पे भी डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरह से परस्यू करेंगे, कि हम उन्हें किस तरह से कन्विंस करेंगे कि हम उनकी कंपनी में, हम उनकी ऑर्गेनाइजेशन में या हम उनके काम में किस तरह से वैल्यू ऐड करके उसे दे सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है। तो वीकनेस, किसी को इतनी सारी वीकनेसेस बहुत ऑनेस्टली नहीं बतानी चाहिए। हम उन्हें बता दें कि हमें फॉर इंस्टेंस कोई भी है एंड ही और शी इज वेरी नेव, तो वो ये बता सकते हैं कि वी हैव ट्रस्ट इश्यूज, वी हैव वगैरह वगैरह वगैरह, कोई से भी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही प्रोफेशनली आप एक चीज को आंसर कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि आई कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग एट अ टाइम। तो इसे ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, ना कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हमने जो भी आंसर्स देने होते हैं वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत प्रोफेशनली देने होते हैं, ताकि उन्हें ये लगे कि ना हम पॉजिटिव हो रहे हैं ना हम नेगेटिव हो रहे हैं ज्यादा। क्योंकि एक्स्ट्रा पॉजिटिव इंसान का पता चल जाता है कि ही इज फेक,
और एक्स्ट्रा नेगेटिव इंसान को कोई रखता भी नहीं है। एक चीज और हमसे पूछी जाती है कि हाउ टू हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, तो उसमें कुछ लोग कह देते हैं कि हमने तो अभी तक जितना काम किया है वी हैव नेवर बीन थ्रू एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, या तो कहते हैं कि हम तो इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो इसका एक अच्छा आंसर ये होता है कि जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसमें काफी सारी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आई, हमने देखी, लेकिन वी हैव ट्रेन्ड आवरसेल्फ्स टू द पॉइंट कि अब अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो वी आर ट्रेन्ड इनफ टू चॉक आउट अ प्लान फॉर दैट, वी आर एबल टू मीट द डेडलाइंस, और हम फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को स्मूथली उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज होती है कि हमें पूरे इंटरव्यू में पॉजिटिव रहना होता है। सपोज करें वो हमसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमें इस चीज के बारे में बताएं, उसके दो अप्रोचेस हो सकते हैं, या तो हम उन्हें ये बोल सकते हैं कि हमें ये चीज आती है बट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट, उससे बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि यस दिस पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, ही नोज दिस थिंग बट ही इज ऑल्सो एक्नोलेजिंग इट, उसमें काफी इंटेग्रिटी है, वो बोल रहा है या बोल रही है कि हम इसको रिकॉल करेंगे, सो यू कैन जस्ट से दैट आई विल जस्ट ब्रश इट अप आफ्टर द इंटरव्यू। या तो इसकी दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप उन्हें ऑनेस्टली बताएं कि आई हैवंट स्टडीड दिस टॉपिक एंड आई रिक्वेस्ट यू टू टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट, इससे क्या होगा कि उन्हें ये लगेगा कि यू आर वेरी ईगर टू लर्न, बजाय इसके कि हम कहें कि आई डोंट नो या बिल्कुल हम ब्लैंक हो जाएं। जब हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं या हमारे पास कोई आंसर नहीं होता या हम उन्हें बिल्कुल मुंह पे इनकार कर देते हैं ना कि आई डोंट नो अबाउट इट, तो वो काफी एक नेगेटिव सा इम्प्रेशन पड़ता है। इसके अलावा जब वो हमसे एक किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं तो किसी भी चीज का इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हमसे एक क्वेश्चन करते हैं कि हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन होता है इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो हमें जज कर रहे होते हैं कि हम अपने आप को मतलब किस तरह से जज कर रहे हैं, वो हमें जज कर रहे होते हैं लेकिन ये हमारी भी जजमेंट होती है कि हम अपने आप को किस तरह से जज करें। तो इसका एक बड़ा अच्छा सा आंसर ये होता है कि ऑब्वियसली इन अ सीनियर पोजिशन, क्योंकि अगर एक शख्स आया है या आई है और उन्होंने कहा कि हमने यहीं पर रहना है, हमने इसी पोजीशन पे रहना है, तो वो एक काफी लिथर्जिक सा इंप्रेशन पड़ता है कि दिस पर्सन इज वेरी लिथर्जिक, दिस पर्सन इज नॉट इनटू अपग्रेडिंग हिज और हर पोजीशन। तो इसका एक अच्छा ये आंसर होता है कि इन अनदर इन अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन और इन अ सीनियर पोजीशन इन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक दिस इज इनफ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम योर साइड। Yes. So, all right. If you, all the participants, if you have any question regarding whatever the ma'am said, you can ask freely. You can raise your hand one by one. I will allow you one by one, then you can ask. So, raise your hand first as I come to know that you have any question. So, I will allow you one by one, then you can ask. Ms. Faiza, we have 2 questions in chat box. Can you read and answer that? Yes, sure. So, here we have a question. How can we know what the interviewer expects to hear from us? अच्छा, जो इंटरव्यू होता है ना या होती हैं वो हमेशा आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे होते हैं, वो वहां पर आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर रहे होते कि ऑब्वियसली जो भी शख्स इंटरव्यू के लिए आता है उनके पास एक स्पेसिफिक डिग्री होती है, एक स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन, एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वहां पर वो ये नहीं जज कर रहे होते, वहां पर वो ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या he or she is a good fit for the organization or not. वो किस तरह से देखते हैं कि ये बंदा कॉन्फिडेंट कितना है, ये ईगर टू लर्न है या नहीं, काम करने वाले हैं या नहीं, या ये सिर्फ इसी ऑर्गेनाइजेशन में आना चाहते हैं। मतलब ऐसे कि जो प्रोसेस होता है ना उस प्रोसेस के लिए कौन एक्साइटेड है, आउटकम के लिए नहीं। बहुत से लोग होते हैं किसी जगह पर जॉब करने के लिए जाते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देते हैं कि हम यहाँ पे इसलिए जॉब करना चाहते हैं क्योंकि आपका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, तो इंटरव्यू को ये पता चल जाता है कि ये शख्स यहाँ पर सैलरी के लिए ही आ रहा है या ये शख्स इस ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीनेशनल फर्म होने की वजह से, उसके नाम की वजह से आ रहा है। तो वो जो चीज देखते हैं वो ये देखते हैं कि वो जो प्रोसेस है वो उसके लिए एक्साइटेड है या वो सिर्फ आउटकम के लिए एक्साइटेड है। तो जब आप किसी भी इंटरव्यू में जाएं आप उन्हें कभी ये फील ना होने दें कि हम यहाँ पर आउटकम के लिए आए हैं। ऑब्वियसली हर कोई आउटकम के लिए जाता है, लेकिन जब आपने खुद को बीच में प्रोमिनेंट करना है, आपने अपने आप को हायर करवाना है, तो उसमें आपने अपने आप को डिफरेंट भी और यूनिक भी शो करवाना है। तो वहां पर आप ये कहेंगे कि आपका जो सारा प्रोसेस है हमें वो पसंद है,
हमें यहाँ पर काम करना पसंद है, हमें यहाँ पे ऑब्वियसली बाकी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन जो चीज हमें इंट्रीक कर रही है वो इसका प्रोसेस है, वो इसका वर्किंग स्टाइल है, वो इसका एनवायरमेंट है, ये चीज है। द सेकेंड क्वेश्चन इज मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज फ्रॉम हफ्सा। हफ्सा, वुड यू लाइक टू क्लेरिफाई विच प्रोग्राम और ऑर्गेनाइजेशन? येस, योर बॉडी लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग सेंस, योर सिटिंग स्टाइल ऑल्सो मैटर्स अलॉट। जिस तरह से आप बैठते हैं, मतलब अगर आप बैठे हैं बहुत ही कंफ्यूज हैं, आपको पसीने आ रहे हैं, यू कैंट इवन टॉक, आप थोड़ा सा स्टैमर कर रहे हैं, तो उन्हें पहले ही पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज नॉट द राइट फिट फॉर द पोजिशन, दिस पर्सन इज नॉट द राइट फिट फॉर द जॉब एंड आर कंपनी एज वेल। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सपोज वन हैज टू गो फॉर एन इंटरव्यू एट एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे अगर आप देखें, या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वहां पे उनके ड्रेसिंग सेंसेस अलग होती हैं। हर जगह पर जहां पे भी आप इंटरव्यू देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली, उस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली आप जाएं कि वहां पर आपकी ड्रेसिंग सेंस वहां की ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक होनी चाहिए। जो चीज मैटर करती है फिर भी सबसे ज्यादा, वो आपका बॉडी लैंग्वेज है। बी कॉन्फिडेंट। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल देन मैम? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट टू कंट्रोल? ओके, द क्वेश्चन इज, व्हेन वी कम्युनिकेट इन इंटरव्यूज वी फील अनकंफर्टेबल। अच्छा, ये चीज बड़ी कॉमन होती है जब हम पहली दफा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियसली एवरी पर्सन बिकम्स नर्वस एट दैट टाइम, एवरी पर्सन इज परप्लेक्स्ड टू सम एक्सटेंट। लेकिन वहां पर आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। डोंट मेक देम फील कि आप नर्वस हैं या आप परप्लेक्स्ड हैं। आप, वो जो इंटरव्यूज लेने वाले बैठे होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही इंसान होते हैं, एंड दे आर रेडी टू हेल्प अस। वो ऑब्वियसली कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं और वो हमें कंफ्यूज करने के लिए करते हैं, बट द पीपल हु टैकल दैट इंटरव्यू आर द वंस जो, जिनके माइंड को वो चेंज नहीं कर सकते, जिनको वो कंफ्यूज नहीं कर सकते। सो मेक श्योर यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट बिफोर गोइंग टू दैट इंटरव्यू। यू शुड नो के यस आई कैन, एंड इफ यू बिलीव यू कैन, यू विल। ओके, आप, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो हाउ टू डील विद सच सिचुएशंस वेयर वन फॉरगेट्स अबाउट सच थिंग्स? ऑब्वियसली दिस इज वेरी कॉमन, व्हेन अ पर्सन इज वेरी वेरी परप्लेक्स्ड, सो ही और शी मे फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स। तो इसकी एक ही इसका सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट डे, मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करती हूँ, नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू है, जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट एंड गैदर सम इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, एंड देन स्लीप प्रॉपरली, बी रिलैक्स्ड, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। क्योंकि आपको अल्लाह पे इतना यकीन होना चाहिए ना कि अगर आपके नसीब में वो चीज लिखी है तो आपको मिल जाएगी, बेशक आप एक आंसर भी ना दें। तो खुद पे भी यकीन होना चाहिए, अल्लाह पे भी यकीन होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते फिर भी वो निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो, उन्हें पता होता है कि ये चीज ऑब्वियसली, चले ठीक है ये चीज नहीं मिली, यहाँ पे इंटरव्यू में मेरा क्लियर नहीं हुआ, इस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जॉब नहीं मिली, तो कोई बात नहीं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में सही। तो हमें थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव भी होना चाहिए साथ साथ। वट शुड बी द सिटिंग स्टाइल एंड कैन वी हेट शेक हैंड? सिटिंग स्टाइल मेल और फीमेल दोनों के लिए डिफर करता है। इसलिए डिफर करता है क्योंकि दोनों का ड्रेसिंग सेंस डिफरेंट होता है। तो मेन शुड, मेन एंड वेमेन बोथ शुड ड्रेस एलिगेंटली एंड सिट एलिगेंटली एज वेल। एंड कैन वी शेक हैंड इफ द इंटरव्यूअर इज द फीमेल? सो फीमेल्स कैन शेक हैंड विद कीपिंग इन व्यू द सिचुएशन ऑफ हर कंट्री। और अगर मेल्स हैं तो मेल्स भी जाके हैंडशेक कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि अगर आप नेक्स्ट पर्सन जो इंटरव्यूअर हैं उनके फेस से जज कर सकते हैं कि वुड दे लाइक इट और नॉट, इफ यू इवन गेट अ वाइब कि दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, तो आप ना करें तो अच्छा है। इफ यू जस्ट सिट, गो एंड सिट देयर एलिगेंटली एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, तो भी हो जाएगा। ओके, हाउ डू यू हैंडल टाइम मैनेजमेंट एंड प्रायोरिटाइज द टास्क? ओके, ये चीज बचपन से, जब हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग कॉलेजेस में जाते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट वहां से हम लोग सीख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट की सबसे अच्छी एग्जाम्पल ये होती है कि हमारे एग्जाम्स होते हैं, हम एक रात पहले पढ़ते हैं, सो दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पर भी हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं जो हमने कंप्लीट करने होते हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक चीज जो मैटर करती है ना, वो आपका ब्रेन फंक्शनिंग है। ये कि अगर आपको पता है कि आपने इतने ड्यूरेशन में ये चीज कंप्लीट करनी है, आप कर लेंगे। अगर आपको लगता है ना कि हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम रहता है, तो फिर आप उसको डिले कर देंगे। जस्ट डोंट बी लेथार्जिक, बी एक्टिव, टाइम खुद ही मैनेज हो जाता है,
एंड द थिंग अबाउट प्रायोरिटाइजिंग टास्क इज कि ये फिर डिपेंड करता है, ये आपको पता होगा कि उस टास्क की वैल्यू कितनी है काम में. अगर उस टास्क की वैल्यू ज्यादा है और टाइम मैनेजमेंट से आप अवेयर हैं तो ऑब्वियसली यू विल प्रायोरिटाइज द टास्क. All right. Any other question? Any participant have any other question? They may ask freely. So, all right. Thank you so much, ma'am, Faiza, for your time and sharing wonderful experience on interview insight and making clear about all the aspects you have discussed. So, thank you all the participants for joining the session. And now we'll be ending our session here. Okay. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.